हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं धार केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटाइट एनालिसिस, राइट। मैग्नेटाइट एनालिसिस बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। मैग्नेटाइट का यूज हम कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले आपको यह पता रहना चाहिए कि हम जो कोल वाशरी होता है वहाँ पर मैग्नेटाइट पाउडर का हम यूज करते हैं एज अ कोल वाश के लिए। अब क्या करते हैं, जो मैग्नेटाइट पाउडर रहता है वो क्या करता है, जो कोल का डस्ट पार्टिकल रहता है उसको अपने ओर खींचता है। खींचने के बाद क्या कर देता है, पूरा नीचे बैठा देता है। अब जो प्योर कोल रहता है वो ऊपर फ्लोट करता है, मतलब तैरता है पानी में। अब वो एक क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू दूसरी जगह चला जाता है, मतलब अच्छा कोल अलग चला गया, नीचे हमारे पास क्या हो गया, जो खराब कोल है वो बैठ गया। तो इसके लिए हम यूज क्या किए, मैग्नेटाइट पाउडर। तो उसी का हम क्या करते हैं, सीव देखते हैं कि पास हम जब सिंपल लेते हैं तो उसमें एक पैरामीटर होता है सीव का। तो उस सीव का पैरामीटर हम क्या करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए हम दो अलग अलग सीव का देखते हैं, सीव मतलब छन्ना देखते हैं, छन्ना कैसे कैसे हम उसको छानते हैं। तो इसके लिए हम दो पैरामीटर देखते हैं सीव का ही, दो अलग अलग, 325 और 500, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया है? आज का एनालिसिस क्या हो जाएगा, सीव एनालिसिस, राइट। -325 और हमारे पास क्या हो जाएगा, 500। ये दोनों को आपको बताने वाले हैं आज के वीडियो में, राइट। तो सबसे पहला हम आपको बताते हैं -325 का, राइट। तो -325 का हम क्या बना देते हैं, ये सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, -325 का एमएम, राइट। इसका सीव को एक फोटो आपको बना लेते हैं, राइट, ऐसा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये सीव हो जाएगा। इस सीव में आपको क्या करना है, 100 ग्राम आपको मैग्नेटाइट पाउडर का सिंपल लेना है, राइट। इसमें 100 ग्राम हम क्या कर लिए हैं, मैग्नेटाइट पाउडर का। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक सीव लिया -325 का, राइट। -325 एमएम का हम क्या लिए हैं, सीव ले लिए, सीव लिए हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसमें याद रखिएगा, इसमें हम 100 ग्राम सिंपल डालते हैं, ठीक है, 100 ग्राम सिंपल डालते हैं। सीव लिया, सीव लेने के बाद क्या करते हैं, उसमें 100 ग्राम सिंपल डाल दिए। फिर हम क्या करते हैं, इसको टेप नल में, नल से अच्छे से, नल में क्या करते हैं, नल के पानी से, है ना, नल के पानी बोले तो टेप नल के पानी से, राइट। टेप नल पानी से हम क्या करते हैं, अच्छे से वाश करते हैं, अच्छे से हम क्या कर देते हैं, वाश करते हैं या धोते हैं। कब तक, जब तक कि ये क्या हो जाए, क्लीन ना हो जाए। क्लीन बोले तो जो गंदगी है, हम अच्छे से इतना अच्छे से वाश करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, गंदगी नीचे बैठ जाएगा, राइट। नीचे बैठेगा तो क्या होगा, पूरा हमारे पास जो ओवर साइज है वो बचेगा। तो तब तक क्या करना है, सबसे पहले एक जाली लिए, जाली लेने के बाद -325 का हम क्या कर लिए, जाली ले लिए। अब उसको अच्छे से हम क्या कर रहे हैं, वाश कर रहे हैं, सिंपल लेके ना, सिंपल 100 ग्राम लिए हैं तो अच्छे से वाश कर रहे हैं टेपनल से। जब तक ये वाश करना है तब तक इसको वाश करना है, जब तक इसमें क्या हो जाए, पूरा इम्प्योरिटी बाहर ना चला जाए, नीचे ना चला जाए, जो अंडर में है इम्प्योरिटी बोले तो हमारे पास जो साइज है वो नीचे चला ना जाए, राइट। हम सीव क्यों देख रहे हैं, उसका साइज के लिए देख रहे हैं कि कितना उसमें पार हुआ है, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, पूरा साइज क्या हो, लगभग हमारे पास जब तक ये है तब तक वो नीचे में क्लीन वाटर आ गया, क्लीन वाटर आ गया। तो हम क्या करते हैं, अब रोक देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, एक हमारे पास वाटर का हमारे पास हम कुप्पी अलग से रखे हैं, उसको क्लीन करते हैं, क्लीन करके एक फिल्टर पेपर में हम फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करते हैं तो दो चीज मिलता है, याद रखिएगा, एक चीज हमारे पास रहता है फिल्ट्रेट, राइट। इस प्रकार से हम फिल्टर कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ गया रेसिड्यू, रेसिड्यू आ गया और ये आ गया फिल्ट्रेट, राइट। अब फिल्ट्रेट आ गया तो इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास मान लो हम 100 ग्राम लिए हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। M1 हमारे पास 100 ग्राम हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग है। M2 जो लास्ट में हम देखे हैं, मान लो हमारे पास 15 ग्राम आ गया लास्ट में। इस रेसिड्यू को हम क्या किए हैं, फिर हम इसको रेसिड्यू को हम क्या करते हैं, डेढ़ घंटे के लिए, 1.30 आवर्स के लिए हम क्या करते हैं, 108 डिग्री में प्लस माइनस का 2 डिग्री में हम हार्ट एयर 1 में, याद रखिएगा, रख देते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर वेट लेते हैं। मान लो कितना आता है, 15 ग्राम आता है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, M2 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, M1 माइनस M2 करते हैं, राइट। तो हमारे पास 100 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 85%। मतलब जो हमारे पास जो साइज का है, 85% नीचे पास हो गया है, मतलब ये सिंपल बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सीव का साइज है वो पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, पार हो गया है, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, -325 के लिए। सेम हम 500 के लिए करते हैं, 500 mg का हम क्या, 500 mm का हम क्या करते हैं, सीव लेते हैं, उसमें 100 ग्राम सिंपल भरते हैं। सिंपल भरने के बाद क्या करते हैं, टेपनल में अच्छे से उसको वाश करते हैं,
सबसे पहले वॉश करते हैं तब तक करना है जब तक कि आपका पूरा क्लीन ना हो जाए, मतलब वाटर क्लीन आपको पार ना होने लगे, राइट। तब तक कि आपको क्या करना है उसमें से वो करना है, तो पूरा लगभग हम 15 से 20 मिनट तक के अच्छे से उसको हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद एक फिल्टर पेपर में दूसरी जगह उसको क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। फिर से उसको हम 1.5 घंटे के लिए हॉट एयर वन में रख देते हैं। 1.5 घंटे बाद हॉट वन से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको हम ठंडा करते हैं डेसिकेटर में। फिर उसका वेट लेते हैं, वेट लेते हैं तो फिर उसको मान लेते हैं, देखते हैं 25 ग्राम आया। इस बार हमारे पास M1 कितना था, 500 के लिए है, ये याद रखिएगा, 500 के लिए है। M1 कितना है, 100 है। M2 कितना है, तो हमारे पास आ गया 25। अब हम देखते हैं M1 माइनस M2 तो कितना आ गया, 100 माइनस हो जाएगा 25, तो आ गया हमारे पास 75%। देखते रहिएगा माइनस 325 में 25 हमारे पास कितना, 85% आया था, जो कि एकदम करेक्ट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 500 के लिए तो 75% आया है, जो कि एकदम 100% सही है, राइट। इसका कैलकुलेशन ऐसे करना है। तो आज हम क्या क्या देखिए, सीयू का देखिए है माइनस 325 माइनस 500, राइट। दोनों का प्रोसीजर सेम है, सबसे पहले आपको दोनों का छन्नी लेना है, राइट। दोनों में 100 ग्राम सैंपल डालना है। दोनों को अच्छे से क्या करना है, आपको वॉश करना है, तब तक करना है जब तक कि उसका गंदगी नीचे ना चला जाए। फिर क्या करना है, उसको दोनों को एक फिल्टर पेपर में अलग से क्या करना है, फिल्ट्रेट कर लेना है। फिर उसका 1.5 घंटे के लिए हॉट एयर में रख देते हैं। 1.5 घंटे बाद ठंडा करते हैं डेसिकेटर में। फिर इसका वेट लेते हैं, मान लो 325 का है 14 ग्राम और 500 का आया है मान लो कितना है 25 ग्राम, उसको 100 से घटाते हैं तो कितना आया है, इसमें मान लो 85%, इसमें सब 75%, दोनों एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नेटाइट का सीयू हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।